Hello everyone, welcome to Transform Academy. My name is Professor Vishal and today we are going to start with the Maharashtra State Board History Subject First Chapter, that is Historiography Development in West. Okay, इससे पहले चैप्टर स्टार्ट करने से पहले वी विल अंडरस्टैंड कि इस चैप्टर में हम क्या एग्जैक्टली पढ़ने वाले हैं. चैप्टर का नाम जैसे आप देख सकते हो हिस्टोग्राफी डेवलपमेंट इन द वेस्ट. हिस्टोग्राफी का मतलब होता है रिटर्न हिस्ट्री पढ़ना या हिस्ट्री के बारे में इंफॉर्मेशन हम पढ़ना. डेवलपमेंट इन वेस्ट मतलब इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले जो वेस्टर्न साइड के फिलोसोफर्स हैं उनका क्या थॉट प्रोसेस था हिस्ट्री के बारे में, वो सब चीजें हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले. लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर. हिस्टोरिकल रिसर्च रिटन एंड स्टडीज आर कैरिड आउट विद एन ऑब्जेक्टिव ऑफ अंडरस्टैंडिंग द क्रोनोलॉजी ऑफ द पास्ट इवेंट एंड देयर इंटरकनेक्शन. दिस इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस. हिस्टोरिकल रिसर्च राइटिंग या स्टडीज हम क्यों करते हैं एग्जैक्टली क्योंकि उसका क्रोनोलॉजिकल हमें पास्ट इवेंट पता चले. क्रोनोलॉजिकल मतलब एक ईयर, जैसे कि 1997, 1998 ईयर वाइज या फिर कनेक्टिविटी होना चाहिए. क्रोनोलॉजी मतलब लिंकेज. तो हम क्या करते हैं, ये सारे इवेंट्स को लिंक करते हैं. इससे पहले ये इवेंट हुआ था, इसके बाद ये इवेंट हुआ, वैसे क्रोनोलॉजिकली हम एक दूसरे को कनेक्ट करते हैं या लिंकेज करते हैं. दिस इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस. यस, बट ऑब्वियस ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है बिकॉज अभी जो हम करंट में जो जी रहे हैं वो आगे चल के हिस्ट्री होने वाला है. तो आगे अपने जो ऑफस्प्रिंग्स है या फिर जो बच्चे हैं वो हमारी हिस्ट्री पढ़ेंगे बिकॉज दिस इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस. इन द फिजिकल एंड नेचुरल साइंस द एम्पेरिकल मेथड. एम्पेरिकल मेथड मतलब लेबोरेटरी मेथड ऑफ एक्सपेरिमेंट ऑब्जर्वेशन होता है, इज यूज टू वेरीफाई द अवेलेबल नॉलेज. अभी के करंट सिनेरियो में जैसे साइंस ज्यादा डिमांड में है तो हम कैसे हर एक चीज का प्रूफ मांगते हैं, वैसा अभी एम्पेरिकल मेथड होता है. दिस मेथड अलाउज फॉर्मुलेटिंग लॉज एंड That remains true irrespective of time and space. Science में जो भी हम करते हैं उसका हमें end का conclusion मिल जाता है, proof मिल जाता है कि ये चीज true है या authentic है. Those laws can be tested and proved repeatedly. ऐसा जरूरी नहीं कि एक बार हमने कुछ अगर formula अपनाया तो उसका result एक बार अलग आएगा, दूसरी बार अलग आएगा, वो same ही होता है. चाहे हम कितनी बार भी tested करें उसका result हमें same ही मिलेगा. In historical research, it may not be possible to use methods of laboratory experiments and observation. Yes, पहले के जमाने में साइंस इतना एडवांस लेवल पे नहीं था तो तभी पॉसिबल नहीं था हमारे लिए कि हम लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट्स करें, ये कुछ साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट करें. तो पहले के जमाने में कैसे पोएम्स होते थे या फिर सॉन्ग्स होते थे, वो सब बेसिकली खाली एविडेंस क्रिटिकली एग्जामिन करके अज्यूम करके वो सब का एविडेंस हमें मिलता था. लेकिन अभी जो हम सदी में जी रहे हैं करंट सेंचुरी में तो उसके अंदर हमें ऑफ साइंस का टेक्नोलॉजी इतना अपग्रेड हुआ है कि हमें प्रूफ मिलता है कोई भी चीज का. दिस इज सो बिकॉज वी वेर नॉट प्रेजेंट इन द हिस्टोरिकल टाइम्स एंड स्पेस एंड द हिस्टोरिकल इवेंट्स कैन नॉट बी रिक्रिएटेड. यस, हमें नहीं पता कि वो जो चीजें थी उस समय वो ऑथेंटिक थी, कितने हद तक वो सच था, क्योंकि हम उस समय वहां पे प्रेजेंट नहीं थे और वो हिस्टोरिकल मूवमेंट्स जो है, जो पल या इवेंट्स है, वो हम रिक्रिएट नहीं कर सकते हैं. Also in history, it is not possible to formulate laws that remain true irrespective of time and space. Yes, but obviously उस समय ऐसा कोई formula या law नहीं था जो बार बार हम उसको prove कर सके कि ये सच था या authentic था. To begin, we need an expert who knows the language and script of historical document in order to read it and understand its meaning. Yes, हमें उस समय या फिर अभी करंट अभी क्या चाहिए exactly, एक expert चाहिए जो वो language समझ पाए. ऐसे जरूरी नहीं कि वो एक language का होता है, multiple different language के रहते थे जो scripted होते थे, तो उसको read करने के लिए हमें कोई expert चाहिए था जो वो read करे script को और हमें समझाए वो document exactly क्या होता है. Also, the expert can examine the authenticity of the document. Authenticity मतलब कितना हद तक वो सच है, कितना हद तक वो correct है, उसके बारे में हमें बताया by using criteria such as lettering style. वो कैसे font में होता था, उसके lettering style कैसी होती थी, वो explain कर सके हमें. Author style of writing. Different authors है, उनका अलग अलग तरीका होता है लिखने का, तो वो पढ़ के expert हमें समझा देते कि ये author ने लिखा है. Manufacturing date and type of a paper. Yes, manufacturing date and type of a paper से भी हमें पता चलता है वो कितना साल पुराना पेपर है, कौन से ईयर का है. इसको अगर हमें एग्जामिन करना है, अगर कोई भी पेपर को हमें जानना है कि एग्जैक्टली वो कितने साल पुराना है, उसके लिए एक टेक्निक यूज की जाती है, उसको कार्बन डेटिंग टेक्निक कहा जाता है. आई विल रिपीट, कार्बन डेटिंग टेक्निक. उससे हमें पता चलता है कि ये जो पेपर है कितने साल पुराना है, उसको सब इंफॉर्मेशन हमें मिल जाती है. Type of a paper, stamp of authority. Yes, उस समय different kings या फिर different टाइप के stamps होते थे, उससे भी हमें पता चलता है कि ये कब का stamp है और किस king का है. Such a document is further scrutinized by a historian with the help of the relevant historical references. Scrutinize का मतलब उसको examine करना, detail में पढ़ना.
ठीक है, तो वो फर्दर क्या होता था, स्क्रूटिनाइज होता था डीप में, उसके ऊपर फिर से फिर R&D करते थे, एक्सपेरिमेंट करते थे कि ठीक है ना, एग्जाम्पल अगर एग्जाम्पल यहाँ पे कोट करना चाहता हूँ, अगर आप हमको एक डॉक्यूमेंट मिला तो हम ये नहीं कह सकते कि वो इतने साल पुराना है, या फिर वन इंस्टेंस में या वन गो में हम उसको प्रूव नहीं कर सकते कि ये इतने साल पुराना है, उसके ऊपर बहुत सारे स्टेप्स होते हैं वो हमें अपनाने पड़ते हैं, बहुत सारे रिसर्च करने पड़ते हैं, उसके अलावा उसके साथ कॉम्बिनेशन कुछ करना पड़ता है कि ये पेपर इस साल का था और ये पेपर इस साल का था, तो ऐसे इजिली हम मान नहीं सकते कि ये ईयर को बिलोंग करता है ये डॉक्यूमेंट, उसको स्क्रूटिनाइज करना बहुत मैंडेटरी हो जाता है। हम यहाँ पे देखेंगे हिस्टोरिकल रिसर्च मेथड, इसके अंदर कैसे राइटिंग ऑफ हिस्टोरिकल नैरेटिव, ये कैसे लिखा जाता है, तो सबसे पहले आता है यहाँ पे फॉर्मुलेटिंग हाइपोथेसिस। फॉर्मुलेटिंग हाइपोथेसिस का मतलब होता है, हाइपोथेसिस मींस अज्यूम करना, हमारे पास कोई चीज है तो हम पहले उसको अज्यूम करेंगे कि ये चीज है इतने साल पुरानी है, हमारे दिमाग में सबसे पहले अजम्पशन स्टार्ट हो जाता है कोई भी चीज को लेके, तो हम क्या करेंगे, हाइपोथेसिस करेंगे, अज्यूम करेंगे कि ये इतने साल पुराना होगा करके। सेकेंड क्या है, क्रिटिकली एग्जामिनिंग ऑफ वेरियस सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री, बाकी भी चीजें जो भी है क्रिटिकली एग्जामिन करना है, वेरियस सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री, बहुत सारे सोर्सेस हम फाइंड करेंगे ये पेपर कहाँ से आया है, किसको बिलोंग करता है, कितना साल पुराना है, तो उसको एग्जामिन करना बहुत मैंडेटरी होता है। नेक्स्ट वी हैव एग्जामिनिंग रेलेवेंट रेफरेंसेस ऑफ द अवेलेबल हिस्टोरिकल इन्फॉर्मेशन, जैसे मैंने कहा एक डॉक्यूमेंट है तो उससे हमें प्रूफ नहीं होगा कि ये इतने साल पुराना है, उसको दूसरे से कंपेयर भी करना मैंडेटरी हो जाता है, वो जरूरी है, तो हमें पता चलेगा दोनों में फर्क क्या है, पेपर क्वालिटी से पता चलेगा हमें कितने साल पुराना है, तो हमें क्या करना है, रेलेवेंट रेफरेंसेस उसके रिलेटेड और भी प्रूफ हमें जमा करने होंगे। नेक्स्ट वी हैव कलेक्टिंग हिस्टोरिकल इन्फॉर्मेशन, हाईलाइटिंग द प्रोसेस दैट लीड्स टू हिस्टोरिकल ट्रांजिशंस, कैरी आउट कंपैरिजन एनालिसिस, हमें हिस्टोरिकल इन्फॉर्मेशन भी कलेक्ट करनी होगी उसके रिलेटेड, हाईलाइटिंग द प्रोसेस दैट लीड्स टू हिस्टोरिकल ट्रांजिशन, ट्रांजिशंस मीन्स चेंज होता है, वो हिस्ट्री हमारी चेंज कैसे हुई है वो भी हमें जानना है, कैरिंग आउट कंपैरेटिव एनालिसिस, कंपैरेटिव मतलब सेम चीजें और रिलेटेड कोई चीजें होगी तो वो प्रूफ भी हमें इकट्ठा करना होगा। नेक्स्ट वी हैव अंडरस्टैंडिंग द रेफरेंसेस रिगार्डिंग टाइम एंड स्पेस ऑफ गिवन हिस्टोरिकल इवेंट एंड ऑल्सो वेरियस कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क यूज इन हिस्टोरिकल रिसर्च मैटर, तो हमें इसमें क्या अंडरस्टैंड करना होगा, रेफरेंसेस रिगार्डिंग टाइम एंड स्पेस ऑफ गिवन हिस्टोरिकल इवेंट, कितने साल पुराना है, कितने टाइम पुराना है, कहाँ से आया, ये सब हमें क्या करना होगा, समझना होगा, जब हम कोई चीज समझते हैं अंडरस्टैंड करते हैं तो लास्ट में हमें कंक्लूजन ऑथेंटिक या करेक्ट मिलता है। नेक्स्ट वी हैव फॉर्मुलेटिंग रेलेवेंट क्वेश्चंस इन व्यू ऑफ द हिस्टोरिकल रेफरेंसेस, कोई भी चीज का कंक्लूजन मिला तो भी आप देखते होंगे न्यूज पे भी बहुत सारे सवाल जैसे उठते हैं, ये चीज कहाँ से है, वैसे बहुत सारे क्वेश्चंस उस पे उठ सकते हैं कि ये डॉक्यूमेंट कहाँ से आया, भले हमारे पास प्रूफ है उस चीज का लेकिन बहुत सारे क्वेश्चंस दूसरे लोग पूछते हैं, तो हमारे पास उसका आंसर्स होना चाहिए, करेक्ट आंसर्स होना चाहिए ताकि हम प्रूफ कर सके कि ये जो डॉक्यूमेंट हमने जो रिसर्च किया है वो डॉक्यूमेंट उस सदी का था या वो ईयर का था। यहाँ पे देखते हैं मेथड्स ऑफ वेरियस डिसिप्लिन्स आर यूजफुल इन हिस्टोरिकल रिसर्च, फॉर एग्जांपल आर्कियोलॉजी, आर्काइवल साइंस, मैन्युस्क्रिप्टोलॉजी, एपिग्राफी, एनालिसिस ऑफ लेटरिंग स्टाइल, लिंग्विस्टिक, न्यूमिस्टिक, स्टडी ऑफ कॉइन्स, जेनेलॉजी, स्टडी ऑफ लिंकेज, क्योंकि ये कुछ नए वर्ड्स हैं आपके लिए तो मैं आपको यहाँ पे समझा दूंगा कि एग्जैक्टली इसके मीनिंग्स क्या होते हैं। मेथड्स ऑफ वेरियस डिसिप्लिन्स आर यूजफुल इन हिस्टोरिकल रिसर्च, डिफरेंट डिफरेंट तरीके के मेथड यूज किया जाता है ताकि हमें पता चले कि ये जो चीज है वो कहाँ की है, कितने साल पुराने और उसके यूजेस क्या किए जाते थे। फॉर एग्जाम्पल जैसे फर्स्ट आप देख सकते हो आर्कियोलॉजी, आर्कियोलॉजी का मतलब होता है द स्टडी ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री, हिस्ट्री के बारे में पढ़ना, ह्यूमन हिस्ट्री के बारे में पढ़ते हैं उसके कहते हैं आर्कियोलॉजी। आर्काइवल साइंस के बारे में, आर्काइवल मीन्स जो पुराने डॉक्यूमेंट्स होते हैं, कागजात होते हैं, जो भी पुरानी चीजें होते हैं, दैट इज आर्काइवल साइंस। मैन्युस्क्रिप्टोलॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ हैंड रिटन डॉक्यूमेंट, जो हम हाथ से लिखते हैं डॉक्यूमेंट, दैट इज मैन्युस्क्रिप्टोलॉजी। एपिग्राफी का मतलब होता है अ हिस्टोरिकल रिलीजियस और अदर रिकॉर्ड कट इम्प्रेस्ड और रिटन ऑन अ वॉल, जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे कुछ इम्प्रेस किया गया है, कार्विंग किया गया है, तो बहुत सारे ऐसे लिखे जाते हैं दीवालों पे, कुछ चीजें ड्रॉइंग्स बनाई जाती है, उससे हमें पता चलता है कि उस समय कैसे रूल किया जाता था, उनके किंग कितने स्ट्रिक्ट थे वहां पे, उनका कल्टिवेशन पैटर्न क्या था, वहां के घर कैसे थे, तो ये सब स्कल्पचर्स या फिर इंस्क्रिप्शंस के वजह से हमें पता चलता है कि कैसा होता है वहां पे, लाइफस्टाइल कैसी थी वहां की। एनालिसिस ऑफ लेटरिंग स्टाइल, लेटर डिफरेंट डिफरेंट टाइप के होते हैं, उससे भी हम एनालाइज कर सकते हैं कितने साल पुराना है, कौन से किंग ने लिखा था। लिंग्विस्टिक का मतलब होता है स्टडी ऑफ लैंग्वेजेस, यस लैंग्वेज एक ही टाइप की नहीं होती, मल्टीपल टाइप की लैंग्वेजेस होती है, तो उसको लिंग्विस्टिक मीन स्टडी ऑफ अ लैंग्वेज।
न्यूमिस्मैटिक का मतलब होता है स्टडी ऑफ कॉइन्स। देखे होंगे आप, मोस्ट ऑफ द आपके फ्रेंड्स को एक हॉबी होती होगी कि बहुत सारे कॉइन हम जमा करें, तो ये न्यूमिस्मैटिक मतलब स्टडी ऑफ कॉइन्स होता है। जेनेलॉजी मतलब स्टडी ऑफ लीनेज। जेनेलॉजी का मतलब होता है द हिस्ट्री ऑफ अ पास्ट एंड प्रेजेंट मेंबर ऑफ फैमिली, उनके एंसेस्टर के बारे में जानना, ऑफस्प्रिंग के बारे में जानना, उनके खानदान के बारे में बेसिकली जानना कि कितने उनकी फैमिली थी, उनके ऑफस्प्रिंग कितने थे, वो सब जेनेलॉजी में हम पढ़ते हैं। नाउ वी विल मूव ऑन टू ट्रेडिशन ऑफ हिस्टोग्राफी। वी हैव लर्न अबाउट हिस्टोरिकल रिसर्च मेथड, क्रिटिकली एग्जामिनिंग द हिस्टोरिकल सोर्सेस एंड राइटिंग द हिस्टोरिकल नैरेटिव। अब तक हमने देखा कि हिस्टोरिकल रिसर्च कैसे करते हैं, क्रिटिकली एग्जामिन करना उसको कितना मैंडेटरी होता है, एंड रिटर्न राइटिंग ऑफ हिस्टोरिकल नैरेटिव। द राइटिंग ऑफ क्रिटिकल हिस्टोरिकल नैरेटिव इज नोन एज हिस्टोग्राफी। यस, मैंने जैसे चैप्टर का नाम पढ़ के आपको समझाया था हिस्टोग्राफी क्या होता है, द राइटिंग ऑफ क्रिटिकल हिस्टोरिकल नैरेटिव। कुछ लिखा जाता है, रिटन डॉक्यूमेंट्स होते हैं, वो लिखना क्या होता है, हिस्टोग्राफी होता है। अ स्कॉलर हु राइट सच नैरेटिव इज हिस्टोरियन। यस, जो ये लिखता है उसे हम क्या कहते हैं, हिस्टोरियन कहते हैं। स्टूडेंट्स एक बात ध्यान रखिए, ये जो चीजें होती है इज नोन एज में जो आता है, माइट भी आपको भारतीय क्वेश्चन में अगर स्कूल या एग्जाम्स, बोर्ड एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स में, ये बेसिक चीजें होती है, तो आप इसको टेक्स्ट बुक में अंडरलाइन करके रखिए या कहीं लिख के रखिए। द हिस्टोरियन कैनॉट इंक्लूड एवरी पास्ट इवेंट इन हिज नैरेटिव। ऐसा मैंडेटरी नहीं कि पूरी हिस्ट्री वो रिपीट कर सके या सारी चीजें एक एक इंक्लूड कर सके। द इंकर्जन एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ हिस्टोरिकल इवेंट बाय द हिस्टोरियन ऑफन डिपेंड अपॉन कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क एडॉप्टेड बाय हिम। हिज स्टाइल ऑफ राइटिंग इज डिटरमाइंड बाय दैट कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क। ऐसा जरूरी नहीं कि वो सारी चीजें इंक्लूड कर पाए। द इंक्लूजन एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ हिस्टोरिकल इवेंट बाय हिस्टोरियन ऑफन डिपेंड ऑन कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क। तो कौन सी टेक्निक अपनाता है, कौन सा कॉन्सेप्ट अपनाता है, वो भी बहुत मैंडेटरी हो जाता है। हिज स्टाइल ऑफ राइटिंग इज डिटरमाइंड बाय दैट कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क। तो उसके हिसाब से सब, जैसे टेक एन एग्जाम्पल, हमारा थॉट प्रोसेस, हमारी फ्रेंड का थॉट प्रोसेस या अपने फैमिली का थॉट प्रोसेस अलग होता है, वैसे हिस्टोरियंस का भी थॉट प्रोसेस बहुत अलग होता है। उनका इंटरप्रिटेशन, उनकी सोच, अंडरस्टैंडिंग वो बहुत डिफरेंट डिफरेंट टाइप की होती है। तो सब हिस्टोरियंस की सोच अलग होती है, तो वो कौन सा कॉन्सेप्ट अपनाते हैं, उनका थॉट प्रोसेस क्या है, वो सबका डिटरमाइन अलग करना होता है, या उनका थॉट प्रोसेस बहुत डिफरेंट होता है। द ट्रेडिशन ऑफ राइटिंग हिस्टोरिकल नैरेटिव दैट इज हिस्टोग्राफी वॉज नॉट प्रेवलेंट इन अ एंशियंट सोसाइटी ऑफ द वर्ल्ड। पहले ऐसे एंशियंट टाइम पे इतना प्रेवलेंट नहीं था, मींस फेमस नहीं था, वाइड स्प्रेड नहीं था, वो धीरे धीरे वाइड स्प्रेड होने लगा। हाउएवर दैट डज नॉट मीन दैट दे वेर नॉट अवेयर ऑफ हिस्टोरिकल टाइम और वेर नॉट ईगर टू नो अबाउट इट। ऐसा जरूरी नहीं कि उन्हें कुछ नॉलेज नहीं था हिस्टोरिकल टाइम के बारे में, या दे वेर नॉट ईगर, उनको क्यूरियोसिटी नहीं थी, इंटरेस्ट नहीं था। एंशियंट पीपल ऑल्सो फेल्ट दैट द नीड ऑफ पासिंग ऑन द स्टोरीज ऑफ अ लाइफ एंड वेलोर ऑफ एंसेस्टर टू द नेक्स्ट जनरेशन। ओके, तो एंशियंट पीपल को क्या लगा, नीड ऑफ पासिंग ऑन स्टोरी ऑफ लाइफ। ऐसा हमें जैसे पास्ट, अपने दादा दादी के बारे में इंफॉर्मेशन जानना बहुत क्यूरोसिटी होती है, बहुत ईगर होते हैं, वैसे एंशियंट पीपल को भी लगा ये इंफॉर्मेशन हमें अपने जो ऑफस्प्रिंग है, बच्चे या फ्यूचर जनरेशन को पास करना बहुत जरूरी है। And the valor of ancestors to the next generation. Valor का मतलब होता है the great courage in the face of a danger. उस समय जो जैसे शिवाजी महाराज हमारे कंट्री के लिए लड़े थे, वैसे वेलोर थे जिसने बैटल फाइट किया था, उनके बारे में भी हमें जानना बहुत जरूरी है, और हमारे बच्चों को इन्फॉर्मेशन देना भी वो बहुत मैंडेटरी हो जाता है। एंशियंट कम्युनिटीज ऑल ओवर द वर्ल्ड यूज वेरियस मीन्स लाइक केव पेंटिंग, स्टोरी टेलिंग, सिंगिंग सॉन्ग एंड बैलाड्स एक्सेट्रा फॉर दिस पर्पज। तो उस समय कम्युनिकेशन कैसा होता था, हमें इन्फॉर्मेशन कैसे पता चलती थी, केव पेंटिंग, केव के ऊपर जो पेंटिंग होती थी उससे हमें पता चल रहा था उनकी लाइफ स्टाइल कैसी है, उनका अटायर, कपड़े कैसे पहना करते थे वो लोग, स्टोरी टेलिंग, स्टोरी बोलते थे वहां पे कि ऐसा ऐसा होता था हमारे जमाने में, किंग्स ऐसे रूल करते थे। ओके, सिंगिंग सॉन्ग, सिंगिंग सॉन्ग्स मीन्स अब जो हम गाना गाते हैं वो नहीं है, सिंगिंग सॉन्ग्स मीन्स कुछ स्टोरी हम मैसेज देना, दैट इज सिंगिंग सॉन्ग्स। एंड बैलाड्स, बैलाड्स का मतलब भी पोयम होता है जो नरेट करता है, छोटे छोटे स्टेंजास होते हैं जो पोयम रीड करेंगे या कोई समझाएंगे तो हमें उस समय का लाइफ स्टाइल पता चलता था, कैसे रूल्स होते थे। होप दिस मच इज अंडरस्टूड एंड इट्स बीन वेरी क्लियर। दिस ट्रेडिशन means are looked upon as a source of history in a modern historiography. तो ये source थे पहले के जमाने में, traditionally हमें इतना ही information मिलता था, modern science में बहुत सारे scientific experiment किया जाता, but traditionals में हमें यही sources था जिसके वजह से हमें knowledge मिल सके कि history में क्या हुआ, जैसे cave painting, storytelling, singing songs and ballads, ये सारी चीजों से हमें information मिलती थी कि उस समय king कैसे थे, lifestyle क्या थी।
Now we will move on to modern historiography. Four main characteristics of modern historiography. इसमें हम पढ़ेंगे four main characteristics of modern historiography. Its method is based on scientific principle. It begins with the formulation of relevant question. Okay, अभी का जो modern historiography हम कैसे पढ़ते हैं? Scientific principles use किया जाता है, different different type की formulas अपनाए जाते हैं, तो last में अच्छा conclusion निकलता है. It begins with the formulation of relevant questions. Yes, इसके ऊपर बहुत सारे सवाल उठे जाते हैं कि ये जो है चीज हमें मिली है, ठीक है, example coin मिला है, वो कितना हद तक authenticate है, कौन से year को belong करता है, उसके ऊपर बहुत सारे questions. जब उस सारे questions के जवाब मिलते हैं, answers मिलते हैं, तब वो प्रूव हो जाता है कि ये जो भी डॉक्यूमेंट है इस ईयर का है. दीज क्वेश्चंस आर एंथ्रोपोसेंट्रिक. एंथ्रोपोसेंट्रिक का मतलब होता है रिगार्डिंग मैन एज एन इंपॉर्टेंट यूनिवर्स. एंथ्रोपोसेंट्रिक मतलब ऐसा कहा गया है कि मैन जो है, ह्यूमन बींग्स है, वो सबसे इंपॉर्टेंट क्रिएचर्स है एक यूनिवर्स में. इट मीन्स दैट दीज क्वेश्चंस आर अबाउट द डीड्स ऑफ मेंबर्स ऑफ एन एंशियंट ह्यूमन सोसाइटी पर्टिकुलर पीरियड. ये क्या कहा गया? इट मीन दैट द क्वेश्चंस आर अबाउट द डीड्स. डीड्स का मतलब होता है कर्म, जो हम कर्म करते हैं, ऑफ मेंबर ऑफ एंशियंट ह्यूमन सोसाइटी ऑफ अ पर्टिकुलर पीरियड. उस समय लोगों ने क्या कर्म किए, क्या अच्छे काम किए, क्या बुरे काम किए, उसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन देता है. हिस्ट्री डज नॉट सजेस्ट एनी इंटर रिलेशनशिप बिटवीन द डिवाइन एंड ह्यूमन डीड. हिस्ट्री हमें ये कोई सजेस्ट नहीं करता कि कुछ उसका रिलेशनशिप है डिवाइन. डिवाइन मीन्स गॉड होता है एंड ह्यूमन डीड्स, डीड्स जैसे मैंने कहा कि कर्म होता है, तो इसमें कोई इंटर रिलेशन नहीं बताता कि ये ऐसा हुआ है उसके वजह से ऐसा कर्मा रिपीट हुआ है. नेक्स्ट वी हैव आंसर टू दीज क्वेश्चंस आर सपोर्टेड बाय रिलायबल एविडेंस. यस, जो भी आंसर्स मिलते हैं उसको सपोर्टेड बाय रिलायबल एविडेंस. हमारे पास ऑथेंटिक करेक्ट प्रूफ रहेंगे तभी ही हम बुक्स में, टेक्स्ट बुक में प्रिंट कर सकते हैं या फिर वाइड स्प्रेड कर सकते हैं कि ये चीज मिली है हमें. History presents a graph of mankind journey with the help of a past human deed. Yes, but obvious history क्या graph provide करता है कि पहले लोग कैसे रहते थे, अभी modern history में लोग कैसे रह रहे हैं, graph type हमें provide करता है. It is said that the modern historiography with above characteristics has its root in an ancient Greek historical writings. History is originally a Greek term. Herodotus, the Greek historian of 50th century BCE means before common era, used it first for his book entitled The Histories. तो Herodotus करके एक Greek historian था, उन्होंने एक book में mention किया, entitled किया, उस book का नाम क्या था? The Histories. Okay, student, एक special चीज कहना चाहता हूँ, इसमें जो भी है, जैसे historians के बारे में हम पढ़ेंगे, philosophers के बारे में पढ़ेंगे, उन्होंने जो भी कहा है, उन्होंने जो भी बुक लिखी गई है, माइट भी एग्जाम में आपको इसके ऊपर क्वेश्चंस आ सकते हैं. तो आप जो हिस्टोरियंस है, फिलोसोफर्स के नाम याद रखिए और उन्होंने कौन सी बुक लिखी है वो एक बार आप चाहे तो एक नोटबुक में लिख लीजिए या फिर टेक्स्ट बुक पे भी मार्क कर सकते हैं, वो आपको बहुत हेल्पफुल हो जाएगा एक्स्ट्रा क्वेश्चंस के लिए. डेवलपमेंट ऑफ साइंटिफिक परस्पेक्टिव इन यूरोप एंड हिस्टोग्राफी. अब हम देखेंगे साइंटिफिक परस्पेक्टिव. परस्पेक्टिव का मतलब होता है कि किस तरीके से हम सोचते हैं किसी के बारे में इन यूरोप. तो हम इसमें क्या पढ़ने वाले हैं ये पैराग्राफ में कि यूरोप एंड यूरोप साइड के जो लोग थे उनका क्या परस्पेक्टिव था हिस्ट्री के बारे में. टिल द 18th सेंचुरी कॉमन एरा यूरोप हैव अचीव्ड अ रिमार्केबल प्रोग्रेस इन द फील्ड ऑफ फिलोसॉफी एंड साइंस. 18th सेंचुरी कॉमन एरा तक जो यूरोप है उसने बहुत ज्यादा रिमार्केबल मींस हाईएस्ट लेवल पे बहुत प्रोग्रेस अचीव किया था फील्ड्स ऑफ अ फिलोसॉफी एंड साइंस में. स्कॉलर्स बाय देन हैड केम टू बिलीव इन अ पॉसिबिलिटी ऑफ स्टडिंग द सोशल एंड हिस्टोरिकल ट्रुथ बाय अप्लाइंग साइंटिफिक मेथड. यस, यूरोप में ये सब साइंटिफिक चीजें जो अप्लाई की गई थी उसके वजह से लोगों में भी अवेयरनेस क्रिएट हुआ गया कि हमें साइंस से अच्छा कंक्लूजन मिलेगा या ऑथेंटिक ट्रूथ हमें पता चलेगा. तो वहां के लोगों ने भी ये सब साइंस चीजें एक्सेप्ट करने लगे. नाउ द फिलोसॉफिकल डिस्कशन फोकस मोर एंड मोर ऑन ऑब्जेक्टिव इन हिस्ट्री एंड हिस्टोग्राफी. Prior to 18th century, all European universities were interested only in philosophical discovery revolving around divine phenomena. Phenomena का मतलब होता है students current जो live चीजें हम देख सकते हैं, live example देख सकते हैं. 18th century के पहले क्या था? European universities were interested only the philosophical discovery revolving around divine phenomena. जो भी उनका assumptions था उसके ऊपर से वो लोग चलते थे. But 18th century के बाद उन्होंने क्या technology अपनाई? Science को adopt किया जिसके वजह से उन्हें authentic proof मिल सके. However, gradually this scenario begins to change. धीरे-धीरे ये change होने लग गया current scenario. In 1937 common era, the Göttingen University was founded in Germany. ये याद रखिए कौन से year में? Common century में 1737 में Göttingen University was founded in Germany. कहाँ search हुआ था? ये founded हुआ था
जर्मनी में। दिस यूनिवर्सिटी फॉर द फर्स्ट टाइम हैड एन इंडिपेंडेंट डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री। यहाँ पे एक इंडिपेंडेंट डिपार्टमेंट क्रिएट किया गया था, किसके लिए? हिस्ट्री के लिए, जहाँ पे बहुत सारे चीजें रखी गई थी, हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट, बहुत सारी किताबें रखी गई थी, जहां पे आप जाके पढ़ सकते हो, योर नॉलेज ग्रैप कर सकते हो। लेटर अदर जर्मन यूनिवर्सिटी ऑल्सो बिकम सेंटर्स ऑफ हिस्टोरिकल स्टडीज। इसके बाद धीरे धीरे और भी यूनिवर्सिटी वहां पे आने लग गई। होप टिल दिस इट्स बीन वेरी क्लियर। अगर आपको कुछ डाउट है तो आप वीडियो को पॉज करके प्रीवियस देख सकते हो, या अगर इसके अंदर भी अगर आपको और कुछ क्लैरिफिकेशन चाहिए तो आप कमेंट में हमें बता सकते हो। अब हम पढ़ने वाले नोटेबल स्कॉलर्स के बारे में, कुछ नाम है यहाँ पे जब हम देखने वाले कि उनका क्या थॉट प्रोसेस था, हिस्ट्री को कैसे एग्जामिन करना, कैसे पढ़ना और उनकी सोच क्या थी, वो हम इसमें पढ़ने वाले हैं। द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ मेनी स्कॉलर्स आर इम्पॉर्टेंट इन डेवलपमेंट ऑफ हिस्टोग्राफी। यस, ऐसा हिस्ट्री जो हम अभी पढ़ रहे हैं वो नॉर्मली ऐसा नहीं, बहुत सारे रिसर्च हुए, बहुत सारे स्टेप्स अपनाए गए हैं, जिसकी वजह से आज हम ये हिस्ट्री पढ़ रहे हैं। लेट अस हैव अ लुक एट द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ द फ्यू नोटेबल स्कॉलर्स। सबसे पहले हम पढ़ने वाले रेन डिस्कार्टस। इनका जन्म हुआ था 1596 में और इनकी डेथ हुई थी 1650 में। रेन डिस्कार्टस वॉज अ फोरमोस्ट अमंग स्कॉलर हु इंसिस्टेड ऑन वेरीफाइंग द रिलायबिलिटी ऑफ हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट बाय क्रिटिकली एग्जामिनिंग देम। तो रेन ने क्या कहा गया था कि जो भी हमें डॉक्यूमेंट्स मिलता है उसको क्या करना है, हमें क्रिटिकली एग्जामिन करना है। एक स्टेज पे जाके हमें ये नहीं प्रूव करना है कि वो डॉक्यूमेंट उस ईयर को बिलोंग करता है, उसका सारा रूट तक जाके इंफॉर्मेशन हमें पुल आउट करना है कि क्रिटिकली एग्जामिन करना है, डेप्थ में हमें इसके बारे में इंफॉर्मेशन पुल आउट करना है। Among the rules given by him in the book Discourse on the Method, तो उन्होंने एक बुक दिया लिखी गई है जिसके अंदर इंफॉर्मेशन दिया गया है, उस बुक का नाम क्या है? Discourse on the Method. The following is supposed to have a great impact on scientific method of research. Never to accept anything for true till all grounds of a doubt are excluded. Yes, even I believe or even I support him. कोई भी चीज है हमें ऐसा एक्सेप्ट नहीं करना है जब तक हमें उसका हर एक क्वेश्चन का आंसर ना मिले, डेप्थ से इंफॉर्मेशन हम पुल आउट ना करें या हर एक एविडेंस हमारे पास ना हो तब तक कोई भी चीज को हमें बिलीव नहीं करना है। तो ये हमने पढ़ा रेन डिस्कार्टस के बारे में। तो यहाँ पे जो दिया गया है गाइस, डिस्कोर्स ऑन द मेथड, ये बुक उन्होंने लिखी गई है, तो एग्जाम में माइंड भी आपको पूछ सकते हैं कि रेन डिस्कार्टस ने कौन सी बुक लिखी गई है, तो उसका आंसर होगा डिस्कोर्स ऑन द मेथड। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे वोल्टायर के बारे में। इनका जन्म हुआ था 1694 में और उनकी डेथ हुई थी 1778 में। वोल्टायर्स ओरिजिनल नेम वाज फ्रांसिस्को मैरी ऑरवियट। ही वाज अ फ्रेंच, यस, ये कहां के थे? फ्रेंच थे। ही ओपेंड दैट अलोंग विद द ऑब्जेक्टिव ट्रूथ एंड क्रोनोलॉजी ऑफ हिस्टोरिकल इवेंट कंसिडरिंग सोशल ट्रेडिशन ट्रेड इकोनॉमी एग्रीकल्चर एक्सेट्रा। उन्होंने क्या कहा था? हमें सच तो जानना है और क्रोनोलॉजी भी जानना है। क्रोनोलॉजी मतलब लिंकेज, ये ईयर के बाद ये हुआ था, वो तो हमें जानना है, उसके साथ हमें और चीजें भी कुछ कंसीडर करनी है, जैसे सोशल ट्रेडिशन, वहां पे सोसाइटी में क्या ट्रेडिशन था, वो लोग कैसे रहते थे, वहां के लोग कैसे ट्रेड करते थे, वो भी हमें इंफॉर्मेशन जानना बहुत मैंडेटरी होता है। बाकी इकोनॉमी कैसी थी, एग्रीकल्चरल पैटर्न कैसा था, वो भी हमें जानना बहुत जरूरी होता है। वॉज इक्वली इंपॉर्टेंट इन हिस्टोग्राफी। इट गिव राइज टू द थॉट दैट अंडरस्टैंडिंग ऑल एस्पेक्ट, एस्पेक्ट मीन्स पार्ट्स होता है, एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन लाइफ इज इंपॉर्टेंट फॉर हिस्ट्री राइटिंग। तो हमें उनका क्रोनोलॉजी जानना जरूरी है, ट्रूथ भी जानना जरूरी है, उसके अलावा उनका लाइफ स्टाइल क्या थी, सोशल ट्रेडिशन क्या था, वो एग्रीकल्चर कैसे करते थे, ये भी जानना इक्वली इंपॉर्टेंट था। दस इट इज सेड दैट वोल्टायर वॉज अ फाउंडर ऑफ अ मॉडर्न हिस्टोग्राफी। तो ये याद रखिए, मॉडर्न हिस्टोग्राफी का फाउंडर कौन थे? वोल्टायर। नेक्स्ट हम पढ़ने वाले जॉर्ज विलियम फ्रेडरिक हेगल। इनका जन्म हुआ था 1770 और इनकी डेथ हुई थी 1831 में। हेगल वाज अ जर्मन फिलोसोफर। ही इंसिस्टेड दैट द हिस्टोरिकल रियलिटी शुड बी प्रेजेंट इन अ लॉजिकल मैनर। इन्होंने क्या कहा था? कोई भी चीज है हमारे पास, कोई भी प्रूफ है, लेकिन वो कैसा होना चाहिए? उसके पीछे एक लॉजिक होना चाहिए, लॉजिकल मैनर में हमें सोचना चाहिए, उसको प्रेजेंट करना चाहिए ताकि सामने वाला भी हम पे बिलीव करे। To him, the timeline of historical event was indicative progress. He also thought that the presentation of history is bound to change over time as new evidence would come forth. उन्होंने क्या कहा गया? History तो change होती रहती थी। उस समय जो proof था या उस समय जो हम formula अपनाते थे, वो जरूरी नहीं कि इस समय भी हम वो same formula अपनाएं। तो history के साथ change होते रहता है over a period of a time.
विद हेगल फिलोसॉफी मेनी स्कॉलर्स वर कन्विंस्ड, यस इन्होंने क्या कहा, हिस्ट्री जैसे चेंज होती रहती है, इनका थॉट प्रोसेस में अदर फिलोसॉफर्स जो है वो भी कन्विंस हो गए दैट हिस्टोरिकल मेथड्स वेर नॉट लेसर क्वालिटी दो दे डिफर्ड फ्रॉम साइंटिफिक मेथड. The collection of his book, lectures and articles is published in a book entitled Encyclopedia of Philosophical Sciences, his book Reason in History. तो इन्होंने कौन सी बुक लिखी गई थी, Reason in History. ये नाम आप याद रखिए, might be exam में आपको पूछा जा सकता है इसमें questions. Next हम पढ़ेंगे Leopold von Ranke. इनका जन्म हुआ था 1795 और डेथ हुई थी 1886 में. Historiography of 19th century was greatly influenced by the thought of Leopold von Ranke by Berlin University. He spoke about the critical method of historical research. तो इन्होंने क्या कहा था, critical method हमें अपनानी है, critical method के बारे में इन्होंने समझाया गया था. He put emphasis on the utmost importance of information gathered through original documents. He also stated all types of document associated with a historical event needs to be examined with the greatest care. तो उन्होंने क्या कहा था, उसके related जितने भी document है सबको examine करना बहुत जरूरी है. एक नहीं कि एक document हमने examine कर लिया या उसके बारे में पढ़ लिया तो वो sufficient है, उसके related जितनी भी information हम pull out कर सके उससे हमें एक last में conclusion perfect information मिल सकता है. He believed that with this method it was possible to reach the historical truth. तो इसके वजह से हमें, इस method अपनाने के वजह से हमें पता चलेगा historical truth, history के बारे में correct information हमें मिलेगी. He criticized imaginative narration of history. Collection of his articles is published in the two book. उन्होंने दो book लिखी गई है, उनका नाम क्या है, The Theory and the Practice of History and the second one is The Secret of World History. तो आप ये नाम याद रखिए. नेक्स्ट हम पढ़ने वाले कार्ल मार्क्स के बारे में. इनका जन्म हुआ था 1818 और डेथ हुई थी 1883 में. इन द लेटर हाफ ऑफ 19th सेंचुरी अ न्यू स्कूल ऑफ थॉट अराउज कीपिंग इन अ वेव द न्यू थीसिस फॉर्मुलेटेड बाय कार्ल मार्क्स. स्कूल ऑफ थॉट मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, कि सब लोगों की एक ही सोच होना, दैट इज टर्म्ड एज अ स्कूल ऑफ थॉट. अराउज कीपिंग इन द वेव ऑफ न्यू थीसिस फॉर्मुलेटेड बाय द कार्ल मार्क्स. According to the Karl Marx, history was not about abstract idea. Abstract का मतलब होता है एक idea. It is not present in a physical form. Abstract मतलब हमारी सोच या कुछ idea that is termed as an abstract. It was about living people. Human relationships are shaped by fundamental needs of a people and the ownership as well as the nature of prevalent means of production to meet those needs. ऐसा जरूरी नहीं कि उस समय सब एक ही लेवल के होते थे या एक ही स्ट्रेटा के होते थे. सब कोई अमीर होता था तो कोई गरीब होता था. किसी की नीड्स ज्यादा होती थी तो किसी की नीड्स कम होती थी. एंड द ओनरशिप एज वेल एज, ऐसे जरूरी नहीं कि सबका खुद का फार्म होता था या एग्रीकल्चर होता था या खुद की जमीनें होती थी. कोई किसी के पास काम करने जाते थे. As well as the nature of a prevalent means of a production to meet these needs. The accessibility of these means to different strata. Strata means group होता है. Strata means group. Strata of the society may not equal. तो सबकी जरूरतें या सब एक ही लेवल के नहीं होते थे. कोई अमीर कोई गरीब होता था उस समय. This inequality causes a division of society into classes. इस strata या फिर इस inequality के वजह से division हुआ गया कि ये लोग अमीर है, ये mediocre है या ये गरीब या poor है. Leading to the class struggle. इसके वजह से क्या होता थी, जो lower class के जो लोग होते थे उनको struggle करना पड़ता था. Exploitation होता था उनपे, वो कहीं जाके काम करते थे उनपे exploitation होता था. According to the Marx, human history is a history of class struggle. तो history में हम क्या पढ़ते हैं, किसने क्या struggle किया है उसके बारे में हम पढ़ते हैं. As the class that owns the means of a production economically exploit the rest of the classes. Yes. जिसके पास मींस ऑफ प्रोडक्शन है, जो अमीर है वो क्या करता था, एक्सप्लॉइट करता था रेस्ट ऑफ द क्लासेस. रेस्ट ऑफ द क्लासेस मींस जो नीचे गरीब लोग थे उनके ऊपर एक्सप्लॉइटेशन करना, उनसे बहुत सारा काम करवाना लेकिन उनको पगार कम देना. दास कैपिटल ट्रीटीज रिटन बाय हिम इज अ मोस्ट रेफर्ड बुक ऑल ओवर द वर्ल्ड. तो तुम्हें ये याद रखना है, दास कैपिटल बुक उन्होंने लिखा गया था. नेक्स्ट हम पढ़ने वाले एनल्स स्कूल के बारे में. एट द ऑनसेट ऑफ अ 20th सेंचुरी अ न्यू स्कूल ऑफ हिस्टोरियोग्राफी अराउज इन फ्रांस व्हिच इज नोन एज एनल्स स्कूल. एनल्स स्कूल गेव अ न्यू डायरेक्शन टू हिस्ट्री रिटन. इट वाज रिकॉग्नाइज्ड नाउ दैट हिस्ट्री इज नॉट ओनली अबाउट द पॉलिटिकल इवेंट्स, किंग, ग्रेट लीडर्स एंड अकॉर्डिंग टू पॉलिटिक्स, डिप्लोमेसी एंड वॉर्स, बट ऑल्सो अबाउट द क्लाइमेट, लोकल पीपल, एग्रीकल्चर, ट्रेड
टेक्नोलॉजी, मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, सोशल डिविजन एंड देयर कलेक्टिव साइकोलॉजी एक्सेट्रा। तो एनएल स्कूल ने एक न्यू थॉट लाया, लोगों की सोच बदल दी कि क्या कहा गया उसके ऊपर, हिस्ट्री क्या होता है, सिर्फ यही नहीं पढ़ना होता हमें कि पॉलिटिकल इवेंट्स के बारे में पढ़े, किंग्स के बारे में हमें पढ़ना है, ग्रेट लीडर्स या फिर पॉलिटिक्स के बारे में पढ़ना है, डिप्लोमेसी मीन्स दो कंट्री के बीच रिलेशंस जो होता है दैट इज डिप्लोमेसी, एंड वॉर्स के बारे में। इसके अलावा हमें बहुत सारी चीजें भी पढ़नी होती है हिस्ट्री में, जैसे कि क्लाइमेट, वहां का क्लाइमेट कैसे था, बाकी लोगों की लाइफस्टाइल कैसी थी, लोकल पीपल वहां के कैसे थे, एग्रीकल्चरल पैटर्न क्या था, क्या क्या वो लोग एग्रीकल्चर करते थे, क्या क्या जो अनाज उगाते थे, वो सब हमें इसके बारे में पढ़ना है। ट्रेड के बारे में हमें पढ़ना है, टेक्नोलॉजी मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, उस समय मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन क्या था उसके बारे में भी हमें पढ़ना है, सोशल डिविजन, सोशल डिविजन में सोसाइटी में कैसे डिविजन हो गया था अमीर मीडियोकर या फिर पुअर पीपल के बारे में, एंड देयर कलेक्टिव साइकोलॉजी, उनकी सोच के बारे में हमें पढ़ना बहुत जरूरी होता है इन हिस्टोरिकल टाइम्स। द एनएल स्कूल्स वाज स्टार्टेड बाय द फ्रेंच हिस्टोरियन। तो एनएल स्कूल्स किसने स्टार्ट किया गया था, फ्रेंच हिस्टोरियन ने स्टार्ट किया गया था। नेक्स्ट हम पढ़ने वाले फेमिनिस्ट हिस्टोग्राफी। फेमिनिस्ट के बारे में हम पढ़ेंगे जो लोगों ने, जो फीमेल लोगों ने फाइट किया गया था। अब तक हमने देखा कि मेल लोगों ने बहुत हेल्प किया गया अपनी कंट्री को, या उनका बहुत सारा थॉट प्रोसेस हमें बताया गया, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं कि मेल लोगों का ही कंट्रीब्यूशन है हिस्टोग्राफी या हिस्ट्री के बारे में पढ़ने में, बहुत सारी फीमेल्स भी है जिन्होंने हमें हेल्प किया हिस्ट्री या हिस्ट्री के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए। फेमिनिस्ट हिस्टोग्राफी मीन्स द रिस्ट्रक्चरिंग ऑफ हिस्ट्री फ्रॉम पर्सपेक्टिव ऑफ अ वुमेन। तो हम इसके इसमें क्या पढ़ने वाले हैं, वुमेन्स के बारे में पढ़ने वाले हैं, उन्होंने कितना बैटल फाइट किया, कितना हमें हेल्प किया गया हिस्ट्री के बारे में, वो हम इसमें पढ़ने वाले हैं। The writing of Simone de Beauvoir helped in establishing the fundamental of feminism. She was French. तो ये कौन थे? French थे. The feminist historiography emphasized not only on the incursion of a woman in history, but also on rethinking of a male-dominated perspective of history. तो इसमें उन्होंने क्या कहा गया था कि male कैसे dominate कर रहे हैं ladies लोगों को, कि आप पढ़ नहीं सकते हो, आप education नहीं ले सकते हो, आप काम पे नहीं जा सकते हो, ये आपने history में बहुत पढ़ा होगा। तो ये डोमिनेशन के बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। इट ड्रॉ हिस्टोरिकल रिसर्च टू फोकस इन डेप्थ ऑन वेरियस एस्पेक्ट ऑफ वुमेन लाइफ सच एज देयर एम्प्लॉयमेंट, देयर रोल इन ट्रेड यूनियन इंस्टीट्यूशंस, वर्किंग फॉर देयर कास्ट, द फैमिली लाइफ एक्सेट्रा। तो मैंने जैसे कहा गया था उनको वो डोमिनेट किया जाता था, अत्याचार होता था उनपे इन टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, उनका ट्रेड यूनियन या फिर बहुत सारी चीजों में उनको एक्सप्लॉइट किया जाता था कि आप उस काबिल नहीं है, मेन्स जो है वो सुपीरियर है और वुमेन्स जो है वो इंफीरियर है। तो ये सोच बदलना हमें बहुत जरूरी होता है स्टूडेंट्स। इन द हिस्टोरिकल राइटिंग्स आफ्टर 1990 वुमेन वेर पोर्ट्रेट एज एन इंडिपेंडेंट सोशल क्लास। यस, हिस्टोरिकल राइटिंग आफ्टर 1919 के बाद क्या पोर्ट्रे किया गया, क्या दिखाया गया कि वुमेन भी इंडिपेंडेंट बन सकती है। ऐसा जरूरी नहीं कि मेन ही सब कुछ कर सकते हैं, वुमेन भी इंडिपेंडेंट बन सकती है, वो एजुकेशन ले सकते हैं, वो बहुत टर्म्स में प्रोग्रेस भी कर सकते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ने वाले माइकल फोकैल्ट। इनका जन्म हुआ था 1926 और इनकी डेथ हुई थी 1984। The French historian of 20th century, Michel Foucault, brought forth a new concept in historiography. He, in his book, Archaeology of Knowledge, argued that the prevailing practice of arranging historical event in chronological order is not right. He drew attention to the fact that archaeology does not strive to reach the ultimate historical truth, but attempts to explain various transitions in a path. तो उन्होंने क्या कहा गया कि जो chronological order से हम history पढ़ते हैं वो सही नहीं है। इसके अलावा हम तो जानते हैं कि उससे answer मिलेगा, लेकिन उसको authentication, उसको examine करना बहुत जरूरी होता है। तो उन्होंने क्या कहा इसमें? He drew attention to the fact that archaeology does not strive to reach the ultimate historical truth. Archaeologies या फिर chronological order से हमें exactly नहीं पता चलेगा कि उसका truth क्या है। But उन्होंने क्या कहा? But attempts to explain various transition in a past. उससे हमें क्या पता चला? Transitions क्या हुआ है? Change क्या हुआ है? वही हमें information मिलती है। Foucault felt that explaining the transition in history is more important. Transition मतलब change होता है। उन्होंने कहा उनको feel हुआ या felt हुआ कि transition हमें explain करना बहुत जरूरी होता है। तो हमें इससे पता चलता है past event क्या है। He called his method the archaeology of knowledge. इस method को उन्होंने कहा गया the archaeology of knowledge. Foucault subjected the so far acknowledged area by historians such as psychological disorder, science of medicine,
प्रिजन एडमिनिस्ट्रेशन एक्सेट्रा, तो हिस्टोरिकल एनालिसिस। तो उन्होंने और क्या अनएक्नोलेज किया, बहुत सारी चीजें उन्होंने बताई गई। साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स मीन्स, साइकोलॉजी मीन्स हमारी जो सोच होती है, डिसऑर्डर मीन्स वो चेंज हो जाना, टाइम टू टाइम हमारी सोच चेंज होती है। साइंस ऑफ मेडिसिन, जैसे आप देख सकते हो मेडिसिन में बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं, जैसे जैसे साल बीत रहे हैं वैसे बहुत सारी साइंस में चेंजेस आ रहे हैं। प्रिजन एडमिनिस्ट्रेशन एक्सेट्रा टू हिस्टोरिकल एनालिसिस। Thus, the scope of historiography kept continuously expanding. Historiography का concept जो वो expand होते जाएगा, ये this is a continuous process students, ये कभी stop नहीं होने वाला है। Writing of histories of various subjects like literature, architecture, sculpture, drawing and painting, music, dance, drama, films and television etc. came into प्रैक्टिस। तो ये सारी चीजों के साथ भी, ये सारी चीजें भी इंडिकेटिव या हाईलाइट हुई, जैसे लिटरेचर होता है, आर्किटेक्चर, स्कल्पचर, ड्राइंग एंड पेंटिंग, म्यूजिक, डांस, ड्रामा, फिल्म्स एंड टेलीविजन, ये सब चीज भी हमें इंक्लूड करनी चाहिए। जैसे हमने पढ़ा कि क्लाइमेट, एग्रीकल्चरल पैटर्न, ट्रेड यूनियन कैसे करते हैं, वो सारी चीजें हमें पढ़ना है। उसके साथ हमें लिटरेचर, आर्किटेक्ट, ये सारी चीजें भी हमें पढ़ना चाहिए, जिसके वजह से हमें हिस्ट्री के बारे में सारा नॉलेज मिल सके। हाफ इन्फॉर्मेशन हमें नहीं पढ़ना है, सारी डेप्थ में नॉलेज हमें होनी चाहिए। होप इतना आपको स्टूडेंट समझ में आया होगा। अगर आपको कुछ डाउट है या फिर कुछ कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया तो हमें कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। इसके अलावा नीचे फोन नंबर हमने प्रोवाइड किया गया है, उस पर आप कॉल करके या व्हाट्सएप करके आपके जो भी डाउट्स है वो आप क्लियर करवा सकते हो। थैंक यू सो मच, स्टे सेफ।